One red sauce pasta and one mojito. Okay, ma'am. Anything else you want? That's it. Thank you. भैया थोड़ा पानी दीजिए ना. हाँ बेटा, मैं भी लेकर आती हूँ. Excuse me, तुम इन जैसे भिखारियों को अपने कैफे में कैसे अलाउ कर सकते हो? इनके औकात भी यहाँ बैठने की? मैडम ये भिखारी नहीं है, यहीं पर फल सब्जी की रेडी लगाते हैं और हर रोज पानी पीने के लिए आते हैं. और इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कपड़े देखे तुमने इसके? तुम्हें अपने कैफे में स्टैंडर्ड वाले लोगों को अलाउ करना चाहिए, ना कि इन फटीचरों को. मैडम आपको इतनी बदतमीजी से इस बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए. और इसने आपको कहा ही क्या है, ये सिर्फ पानी पीने के लिए आई है और पानी पिलाना तो पुण्य का काम है. ओ हेलो, कस्टमर हूँ मैं तुम्हारी, मुझे सिखाओगे अब तुम? सॉरी मैम, मेरे कहने का वो मतलब है. बस बस, अब कवर करने की कोई जरूरत नहीं है. और हाँ, मेरा ऑर्डर ना होल्ड पे रखो, मैं अपना ऑर्डर सिर्फ तभी लूंगी जब तुम इस गरीब को यहाँ से भगाओगे. इस लोग के साथ कैसे कोई बैठ के खा सकता है, ये तो देख के भी घिन आती है. भगाओ इसे. Excuse me, ma'am. Ma'am, I'm the owner. May I help you? Yes. समझाइए अपने इस धोखेबाज के वेटर को. एक तो इन जैसे भिखारियों को यहाँ पे एंट्री देता है, उसके बाद मैं इसको समझा रही हूँ तो मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रहा है. ऐसा क्या तुमने मोहन? सर एक्चुअली ये लड़के सिर्फ. Shut up. मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे लोगों को हमारे कैफे में एंट्री देने की जरूरत नहीं है. समझ में नहीं आता तुम्हें? सॉरी सर. बाहर निकालो. मैं उस बच्ची की नहीं, इनकी बात कर रहा हूं. व्हाट? मैम देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ना, हमें बचपन से सिर्फ यही चीज सिखाई गई है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है. और अगर आपको इस बच्ची को पानी पिलाने में शर्म आ रही है तो आई एम सॉरी, हमें आपको सर्व करने में शर्म आ रही है. आप जाइए प्लीज. थैंक यू सर. और मेक श्योर कि अगली बार से कस्टमर्स को तुम खुद हैंडल कर लो, मुझे बीच में ना आना पड़े. जी सर. बेटा तुमने खाना खाया? नहीं भैया. और बच्चों को सिर्फ पानी नहीं, खाना खिलाकर भेजना. शुक्रिया भैया.